मंत्री हो महाराज, मैं मौजूद हूँ। एक काम करो, बोलो। अब हम आ चुके हैं, तुम किसी और तरफ का भाग संभाल लो, ये आपकी व्यवस्था हम स्वयं संभालेंगे। महाराज आपका स्वागत है। अब ये करेंगे। हाँ, आप सभा का इंतजाम ये महाराज करेंगे। तो चार ससुरों साथी कह दो। अरे क्या तुम भूखे चले आए यार घर से? इतनी दूर चाय तो भूखने लगेगी। अरे नाश्ता पानी आ रहा है, घबराओ मत। सीता को गुलाब जाना था। अरे बैठे रहो तुम, जल्दी जाना है। यहाँ जितने भी राजागढ़ आए हुए हैं, ये पत्र द्वारा इन बगैर ही पत्र के चले आए हैं। बात यह श्री महाराज, ये राजाओं का श्री नामा यात्रा, उन्हें पत्र भी दिया गया है और कुछ राजा लोग जो है लड़कों सुन सुन करके पधारे हुए हैं। हाँ तो धर्म देवियो, ये भगवान के अंग की तारीफ आपकी आप सभी नकलों के सामने आ रही है। तो सभी नकले लोग जो है भगवान की आरती बड़े प्रेम से लेना और दस दस महात्मा सभी भगवान की आरती में अवश्य ही डालना। ये तो भाई रोजीना का ही लेन है, रोजीना ही हमें आपसे कहना है और सुनना है, और आरती लेने का काम और दान इसमें डालने का काम आपका। कैसा लेके आएगा? श्रीमान भाई साहब सूरज पाल ठेकेदार जी, ये रहमत का जो काम कर रहे हैं कलाकारों के लिए 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं मंडल की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राजागढ़ जो भी आए हुए हैं, ये पत्र पर आए हैं, बगैर ही पत्र से चले आए। श्री महाराज, जिन राजाओं का श्री नामा यह था उन्हें पत्र भी दिया गया है और कुछ राजा लोग लड़कों सो सो सर्वे के पधारे हुए। मंत्री बड़ा ही चालाक है, अपनी होशियारी के बल पर बच गया। भैया चल हाथ का ग्रास होता, लेकिन आज ऐसा कोई भी उत्सव हो जल फुटे अल्लाह तो हमारे श्री नामा से हो। आपका श्री नाम हमें याद नहीं था, इसलिए आपके पास में पत्र डालने भूल हुई। ठीक है, आगे कोई उत्साह होगा तो हम आपके पत्र अवश्य लेंगे। मैं बहुत देर से देख रहा हूं, जैसे ये श्रीमान आए हैं किसी मंत्री पे अपना रौब जमाते हैं तो किसी राजा को धमकाते हैं। एक आते ही इस सभा में उथल पुथल होने लगी, शोर सा मचने लगा। चलकर के इनसे पूछना चाहिए ये कहां के हैं और क्यों तशरीफ लाए हैं। श्रीमान जी जय। अगर आप हाजिर समझे तो हमें अपना परिचय दीजिए, कहां के रहने वाले हो और क्या शुभ नाम है,
पहले मुझे अपने बारे में बताएं, आप कहां के रहने वाले हैं और क्या तुम्हारा नाम है? श्रीमान। पहला प्रश्न मेरा हुआ है, उसका उत्तर दीजिए, बाद में पूछने के हकदार होंगे। ठीक है, फेस लो जब अपनी बात आई तो चलो गुरु है, वो मुझसे कहा करते थे कि मेरा एक शिष्य है जिसका नाम रावण है, वो खेल ही खेल में कैलाश पहाड़ को उठा लेता है, इतना बलवान, इतना महान। आज इस वंश यज्ञ की वजह से मैंने ऐसे महान योद्धा के दर्शन पाए। श्रीमान अपने बारे में बताएं, कहां के रहने वाले हैं और तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, मैं तुम्हें अपने बच्चे लेता हूँ, श्री श्री एक चौहान जी, बड़ी का पुत्र, पहले चल का नाती, पड़ता निवासी, 1000 महान जीव का फल रखने वाला, मुझे कहते हैं सुना करता था कितना है, इतनी ऐट है महाराज लंकेश, ये चित्र सुनकर आपका जे हो गया है राम ने, किस लिए तस्वीर प्लास धनुष के जिद को छोड़कर जरा राम खामोश हो जाओ, ये सवाल राजपूतों की वजह का जो दिख रहा हो, सिर्फ घर सुना है और भाड़ है तैनात पहाड़ी से, लड़का तो जाना तो धनुष का इतिहास या सुनवाई से जुबान ज्यादा है ना, दस जुबान जिससे बहुत होती वो नहीं योद्धा कहता है, सभा का आदर करामर तू ज्यादा बड़वा आता है। जुबान नहीं महाराज, भूल गया, भुजा बोल, भुजा हट चले, भुजा जिसके अधिक होती है ना वो योद्धा कहता है, फिर तू हर वीर के हाथ का जवाब मैं फट जाता है, भुजा तेरी हथियारों पर रावण कई जो बहादुरी मेरे पूजा कर ले, प्रभात पाताल को जाता था, वो धरती का धारण करता, मुझे शेष लाभ मिल जाता था, भूभार शेष को थका दे, पृथ्वी को मैंने थाम लिया, इसी तरीके से मुझे शेष को कई बार आराम दिया। राम पिता को किस तरह वो यहाँ आ सकते नहीं, ये दान दी हुई पृथ्वी है, इसका अन्न आ सकते नहीं, उनका यश सभी जानते हैं, जो बल दुनिया के बालू थे उनके दरवाजे पर जाकर विष्णु बने सवाली थे, कृष्ण पक्ष है सभी को किसकी औकात है, धान
जो कुछ इसने मारा है वो मानव भीत बलि के द्वारे एक भेष बन के आया है। हमारा तेरा फैसला जो सुना बताएगा क्या धमका पाएगा वो तुम्हारा बहादुर का पाएगा। यानी ये मुझसे कह रहे हो कि धनुष को मैं अपने दिल के अंदर धनुष तोड़ने की अभिलाषा लेकर के नहीं आया, मैं तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया था इस सभा के। इस सभा में कैसे कैसे योद्धा है और कैसे कैसे वीर बैठे हैं, मैं तो सिर्फ हमारे दर्शन हेतु आया था, न कि मैं धन तोड़ने की अभिलाषा लेने आया था। और कन्या को मधुर कर दो।
फल नहीं कर सकता, सुनते